Good Lord! हेलो गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम टू द न्यू लाइव स्ट्रीम ऑफ GD5। आप सबका स्वागत है GD5 का एक और नया फ्रेश लाइव स्ट्रीम में। मेरा नाम है खरानी और आप सब देख रहे हैं GD5 लाइव। सबका स्वागत है गाइस। सॉरी, जितने भी बंदे स्ट्रीम पे नहीं हो, जो भी स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, जो लाइक नहीं किया लाइक करो, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, फटाफट आ जाओ। तो अभी हम इधर से निकलेंगे और जाएंगे अपना, जहाँ मैं काम करता हूँ, मीन्स हमारे अपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में, अपार्टमेंट बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी गाइस, डिपार्टमेंट में। तो डिपार्टमेंट है हमारा चीफ ऑफ जस्टिस, आई मीन DOJ डिपार्टमेंट। जाएंगे उधर, सबसे पहले अपना ड्रेस चेंज कर लेंगे और जो मेरा ड्रेस है वही पहनेंगे। जो जो मतलब स्ट्रीम पे नहीं, जो भी तक स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर दो, जो लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो। मैं अपना वो चेंज करना भूल गया, अपार्टमेंट में कुछ चेंजेस लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। अपार्टमेंट एंटर अपार्टमेंट करते हैं, और ये रहा अपार्टमेंट के अंदर। मेरा कबर्ड चेंज करने का इधर कुछ है या नहीं है वो देखना पड़ेगा। वाओ, दिस लुक्स नाइस, क्वाइट प्रीटी, प्रीटी गुड। किचन है, लिविंग रूम है, डाइनिंग एरिया है, पिक्चर्स है। ये क्या है, द रेड मेंबर, ये इसका पिक्चर क्यों दिया है? ये नहीं चाहिए था मेरे को बाय द वे, इट्स ओके। मेरा ड्रेसेस कहाँ है, मैं ड्रेसेस कैसे चेंज करूँगा? वेयर इज माय ड्रेसेस गाइस? ड्रेसेस। अच्छा, इधर और एक रूम है क्या? ना, इधर तो कोई रूम नहीं है। फिर मैं ड्रेस कैसे चेंज करूँगा? ड्रेस चेंज करने के लिए कोई एक्स्ट्रा फ्लोर है या कुछ है या कैसे, मतलब इधर कोई चेंजिंग एरिया नहीं रहेगा फिर? मेरे को बस यही समझ नहीं आ रहा है। बाय द वे, मैंने एक वोट डाला है कि इसकी क्या लगता है कि नया जज कौन होगा। मैंने एक डाला है, तो आप लोग वो चेक कर देना कि कौन हो सकता है, क्या लगता है आपको? जो जो मतलब स्ट्रीम पे नहीं हो, जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, जो जो लाइक नहीं किया लाइक करो, फटाफट आ जाओ। इधर मेरा गाड़ी नहीं है कोई भी। अरे बाबा, गाड़ी नहीं होगा तो कैसे जाएंगे, देखना पड़ेगा। कैसे जाएंगे? रेंट अ व्हीकल रेंट करके जाना मेरे लिए बहुत वो शर्म की बात है। कोई नहीं, चलो फिर भी देख लेते हैं मेरा गाड़ी कौन कौन सा है डिपो में, देख लेते जरा। एम्पाउंड में है, एम्पाउंड में इन ओबेट एलिगेटर है एम्पाउंड में मेरा, और कुछ एम्पाउंड मतलब अपना उधर उकाचे ड्रैग है, मेहमत पैट्रियट स्ट्रेच है, ये मेरे को पसंद नहीं है खास करके एकदम भी। दूसरा गाड़ी देखना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, मैं अपना वो उकाचे लेके आता हूँ, उकाचे मेरे को उतना मतलब फिर भी उकाचे चल जाता है मेरा, तो उकाचे ले आता हूँ। आप लोग जो जो स्ट्रीम पे नहीं हो ना, जो जो अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर देना, जो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, स्ट्रीम पे ज्वाइन कर लो, फटाफट ज्वाइन कर लो, आ जाओ एंड आ जाओ, यही बोलना था बस। माय एनिमी। ये रहा मेरा आधा अधूरा वोकाचे, तो साइलेंसर पे अभी तक पूरा नहीं लगा है।
ओए होए होए, हैंडलिंग सही कर दिया इसका। ओ काचे भाई, सबसे तेज बाइक यही है। ओए होए, मजा आ गया। ओकाजे का हैंडलिंग सही कर दिया। आ जाओ गाइस, जो जो सिटी में नए हो, जो जो अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, और जो जो सिटी में अभी तक नहीं है भाई क्या कर रहे हो, सिटी में आ जाओ फटाफट, ज्वाइन कर दो स्ट्रीम पे। जब मैं इधर क्यों कर रहा हूँ, मेरा गाड़ी तो इधर इधर मैं पार्क किया तो व्हीकल निकालूंगा। टाहो पहले कुछ खाना खजाना लेना पड़ेगा, मेरे को खाना बहुत कम है मेरे पे। खाना खाना, मेरा खाना खत्म हो गया, खाना पूरा खाना लेना पड़ेगा मेरे को। हेलो, हेलो, खाना दियो मेरे को, पांच क्या बेंटो बॉक्स दे दियो और और बस? कुछ नहीं। यार जो जो स्ट्रीम पे नहीं, जो जो अभी तक ज्वाइन नहीं किया भाई ज्वाइन कर दो, जो जो लाइक नहीं किया लाइक करो, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। क्या लगता है? ये जिमी को देखो, जिमी आधा अधूरा सो गया, मतलब पूरा पेचेक खा रहा है इधर देखो। हाँ जी, मेरा पेपर आईडी है 40। 40। हाँ जी, अनस स्टडीज गेमिंग। हेलो, वेलकम अनस, वेलकम टू माय स्ट्रीम। कैसे हो आप? आपका स्वागत है। जिमी को देखो बस, तुम देख रहे हो जिमी कैसे मिनट रुको, इधर वो करवा रहा है। हाँ जी बताओ। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रहा है, हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, आवाज आ रहा है, आवाज आ रहा है। हाँ ब्रदर बोलो, हम तुम्हारा मैं मैसेज ही देख रहा चैट पर हूँ। पढ़ा हूँ। ठीक है, हो गया, हाँ हाँ ठीक है। डन सीन डन।
यार जितने भी बंदे हो जो जो अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया भाई लाइक कर दो, जो जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो एंड फटाफट स्ट्रीम पे ज्वाइन कर लो। एवरीवन दो दिन इन स्ट्रीम में डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब गाइस, हिट द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल गाइस। स्ट्रीम को शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ और फ्रेंड्स के साथ जो जो स्ट्रीम पे नए हो, जो जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया लाइक कर देना, जो जो सब्सक्राइब नहीं किया। मेरा इतना लाइक वो क्यों हो रहा है? आई थिंक मेरा ना सेटिंग में देखता हूँ मेरा आई थिंक वो घटाया हुआ है जो लाइक अपना ग्राफिक्स को इन्हेंस करता है ना वो, जिससे रिफ्लेक्शन क्वालिटी ये रहा अल्ट्रा, अच्छा नहीं रिफ्लेक्शन क्वालिटी अल्ट्रा में ही है। लाइव शॉर्ट्स में क्यों चला रहे हो? क्योंकि अभी ट्रेंडिंग चल रहा है ना ये, तो इसलिए थोड़ा शॉर्ट्स में चला रहे हैं। शॉर्ट्स में आता है ना तो रिकमेंडेशन ज्यादा आता है बंदों के पास, दैट्स व्हाई शॉर्ट्स में चला रहा हूँ। गाइस मैंने एक पोल डाला है, जरा चेक करके बताना कि कौन हो सकता है, क्या लगता है आपको कि कौन होएगा नया अपना नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा जज है वो कौन होगा? अभी मतलब नेक्स्ट जज नहीं है, मतलब अभी जो नया जज आएगा सिटी में वो कौन हो सकता है? पोल डाला है मैंने, आपने बस वो जाके वोट करना है कि कौन हो सकता है। डेविल सनपाई इधर देखते हैं क्या कुछ बाइक्स या फिर वगैरह कुछ नया आया है या नहीं। डेविल सनपाई डीई डेक्सटर मॉर्गन है ये। ब्राइटनेस थोड़ा कम कम ही लग रहा है डिस्प्ले ब्राइटनेस, हाँ ब्राइटनेस थोड़ा कम कम लग रहा है। नाउ इट्स लुक्स लाइक गुड। ब्राइटनेस कम हो जाता ना तो मेरे को देख के अच्छा नहीं लगता है। मैं सेटअप करूंगा ऊपर अपना एक GT5 का वो बनाऊंगा, नीचे रहेगा अपना उसका, समझ रहे हो? ऐसे मैं बंद का बनाऊंगा एक अपना सेटिंग सिस्टम बस पर्टिकुलर GT5 के लिए। मेरा वेबकैम लैग कर रहा है लग रहा है मेरे को लग रहा है, नॉट श्योर, एक मिनट मेरे को देखने दो। कुछ ना कुछ तो झोल है गाइस। अच्छा आप लोग जो जो स्ट्रीम पे ना जो जब तक स्ट्रीम को ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, जो जो लाइक नहीं किया लाइक करो फटाफट स्ट्रीम पे ज्वाइन कर लो। नहीं यही सही है, सेटिंग करना पड़ेगा। लाइव लैग कर रहा है, लाइव लैग नहीं कर रहा है मेरा जो है वो लैग कर रहा है। स्पीड को थोड़ा मैं घटा देता हूँ बस हो जाएगा और कुछ नहीं करना जी, थोड़ा बढ़ाऊंगा बस। लाइव क्यों लैग करेगा? लाइव नहीं लैग कर रहा है। हेलो डेविल जी, हाँ हाँ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, वो गाड़ी कुछ दिखाइए क्या क्या गाड़ी आया या नहीं। यस सर, आज हमने एक चीज नोटिस किया, मैंने बहुत दिन पहले हुकाचे ड्रैग खरीदा था, आई थिंक उसका हैंडलिंग सही कर दिया गया है। हाँ सबका ठीक हुआ है, वो मैकेनिक ने देखा एक बार। हाँ बहुत सही किया हैंडलिंग एकदम परफेक्ट जैसा कि मेरे को चाहिए था। अभी हुकाचे का आप लोग सजेस्ट करना, बहुत अच्छा हैंडलिंग हुआ है। अच्छा हाँ मेरे पे है तो आप एकदम लाइक पहला बाइक अगर कोई बंदा बाइक मांगेगा तो आप बोल रहे हुकाचे ड्रैग वन ऑफ द बेस्ट है। आई थिंक 1,80,000 का है बट वर्थ इट है क्योंकि उसमें क्या देखने को भी लाइक अच्छा लगता है और गाड़ी भी सही है। ये क्या है? करेंगे सजेस्ट करेंगे। ये कौन सा गाड़ी है? ये तो नया है क्या? नहीं नहीं ये नया नहीं है। प्राइस क्या है इसकी? प्राइस है 250।
बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। आप और कुछ दिखाओ, विंटेज व्हीकल्स दिखाओ ना, विंटेज व्हीकल्स पुराने जमाने का। नए में ये एक है, ये तो साइफर है ना, नहीं जस्टर आ रहा है। जस्टर आर आर आ गया। हाँ इसका प्राइस 450। 450? हाँ मेरे को खरीद लो सर आप। अरे आपको कहाँ खरीद ले, आपको गाड़ी बाप खरीदना रे, बहुत दिन से पड़ेगा। ढूंढ रहा था इस गाड़ी को, मैं तो बोल बोल के परेशान हो गया था। जस्टर आर आर फाइनली आ ही ले गया। लो फिर ये ले लो। अरे रुको, अभी छापा मारना है तुम्हारा, पीडीएम में छापा मारेंगे, तुमसे पैसा लेंगे, फिर मैकेनिक क्यों पे छापा छापा। मारेंगे, बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस टैक्स ही देना है। तो वो तो ओनर देगा ना। वही तो, आपसे थोड़ी मांग रहे हैं, आपको बस बता रहे हैं। हाँ मारो मारो, वही सीख ले ले करना। तो लो फिर मारना। नहीं इसको पहले मारेंगे फिर ना, पैसा कहाँ से आएगा मेरे पे? दो कितना पड़ा है, 230 पड़ा हुआ है। अब तो कोई गाड़ी हाथ भी नहीं दे सकता। मेरा मन था कि कुछ गाड़ी देखूंगा, देन अपना वो ले लूंगा, फिर क्या नाम है गाड़ी का, वो ब्लैक कलर का जो अपना आता है ना, अरे इसका नाम बोलो ना, अरे भूल रहा हूँ मैं। ये एक नया आया है, विंटेज, विंटेज व्हीकल। ये तो पता है, ये तो पता है, एम्परर वेक्टर उस दिन भी दिखाया था। 240 का है, फिर हाँ टैक्सेस लगा के कुछ ज्यादा होता है, तो मैंने ही लिया था। हाँ हाँ ये भी लूंगा, सब बाद में लूंगा। ये मैं पहला है मेरा वो वाला, वो आर आर, रजिस्टर्ड आर आर, मेरे को पहले लेना है। ओ छोड़ो, मेरे को वो गाड़ी पे भूल गया, ये गाड़ी अगर आ जाता तो अच्छा रहता मेरे लिए। मेरे को एक बार वो मिला, गवर्नमेंट से गिफ्ट मिला था 5 लाख का, उसके अंदर ये आ जाता तो अच्छा। अच्छा रहता। इसके अंदर वो नहीं आ रहा, नहीं आएगा ना, टैक्स भी तो लगेगा। 4,80,000 है या 4,50,000 है, और मेरा हाँ 4,50,000 का, 4 लाख का बजट था, तो मैं उसके अंदर 80,000 जोड़ देता ना, हो जाता। अच्छा तो अपना ओनर वो थे अपने, क्या नाम थे उसका, चार्ली। नहीं तब नहीं आया था ना। हाँ तब वही ना सीने, तब नहीं आता। मैं तो बहुत ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया, आखिर में जेस्टर, नॉर्मल जेस्टर जो है वो ले लिया। अभी आया है एक ये गाड़ी दो। है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी मेरे पे है, और दिखाइए। नहीं, ये सब मत दिखाइए, ये सब मत दिखाइए, एकदम विंटेज लाइक प्रोफेशनल जो होती है वो टाइप का, ओल्ड स्कूल टाइप का जो होता है वो सब गाड़ी दिखाइए, ये विंटेज, हाँ ये सब। वो देखना पड़ेगा ना, हाँ हाँ देखो देखो, क्लासिक ही दिखा रहे हैं आपको ये हाँ जी तो। हाँ जी, क्लासिक दिखाइए ना। ये भी अच्छी है। ये अच्छी है, बट इसका लुक्स मेरे को क्यों नहीं, ये गाड़ी, ये गाड़ी बहुत दिखने में अच्छी लगती है, बट ये गाड़ी पता नहीं मेरे को क्यों पसंद नहीं है, आई डोंट नो व्हाई। ये तो मस्टैंग की, ओल्ड ओल्ड मस्टैंग की कॉपी है। हाँ नहीं है, नहीं है, नहीं, ये तो चलेगी, ये तो चलेगी भी नहीं। ये गाड़ी कुछ ज्यादा नहीं है, ये सब गाड़ियां। हाँ क्लासिक में तो यही आएगी ना। वाह वाह, वेरी नाइस, वेरी नाइस। पसंद आए तो बताते जाए। हाँ मैं बोल दूंगा कि रुक जाओ, ऐसा बोल दूंगा, डोंट वरी, आप दिखाते रहो। ये गाड़ी ले तो ली बोल मैंने, दी थी आपसे। ये ले ली। हाँ एक गाड़ी बार बार आ अच्छा रहा है, दूसरी बार आ गया। हाँ, मुलाकात होगी। ये भी हो गया आई थिंक आप पे, ये हाँ भी है ना आप पे, क्या जी, ये गाड़ी भी है ना आप पे। नहीं ये गाड़ी नहीं, ये गाड़ी अब नहीं खरीदा,
राउडी आर्मी भाई, फोन कहाँ से यूज करे आर्मी में? फोन ब्रदर, तुम एम मसल दबाओगे तो फोन निकल जाएगा। ये रहा, यूज एम मसल देन यू कैन यूज फोन। एम मसल से ये गाड़ी तो इसके में अलग मॉडल है। हाँ, नहीं, ये अलग मॉडल है। वो वाला अलग, ये वाला अलग है क्या? हाँ, वो वाला मॉडल दिखाना फिर। वो वाला है। असल में मैंने ना ये वाला ही खरीदा है। इसके वो वाला मॉडल मैंने देखा है बट खरीदा नहीं, पता नहीं क्यों मेरे को लगा कि एक जैसा। हाँ ये वाला, डिफरेंस इसका तो तो कुछ डिफरेंस है ही नहीं, है। बस ये इसका डिफरेंस है ये वाले का। हाँ, मतलब सेम ही है, मॉडल अलग है। अच्छा वो रोज वॉल्ट है, ये रोज वॉल्ट वॉल्टर है। अच्छा वॉलर है, वॉलर। कोई नहीं कोई नहीं, बॉलर के जैसा है, बॉलर है, दी बॉलर है, इसके उसके जैसा इसका भी है। हाँ, वही सेम। और दिखाओ। अच्छा वो लो मॉडल है, ये हाई मॉडल है, ऐसा है। अच्छा मतलब मेरे को लो मॉडल चिपकाया गया है, कोई नहीं, चलो ये तो भाई सब ये जेम्स बॉन्ड वाली। नहीं, जेम्स बॉन्ड वाली गाड़ी नहीं चाहिए। एम मसल दबाओगे यही इस फोन सब यूज है कर पाओगे। क्लासिक में तो। अच्छा आप एक काम करो, आप मेरे को टैक्सी होती है ना, टैक्सी या फिर मेरे को वो कौन सी? लो राइडर गाड़ी है ना, लो राइडर व्हीकल्स होती है ना, लो राइडर। हाँ, मसल में आएगी हाँ वो। मसल में वो जरा दिखाना, वो सब थोड़ा देख लेता, उसमें अगर कुछ मनपसंद आ जाए तो ले लूंगा। ये तो डोमिनेटर है, हेलफायर, एम्पायर है वो। वही वही डोमिनेटर हेलफायर। गाइज मैंने एक वोट डाला, तो आपको क्या लगता है कि कौन नया जज होएगा? तो आप लोग जरूर कमेंट करके मेरे को बताना। ऐसा गरीब गाड़ी मेरे को चाहिए जो मेरे लायक हो सके। ये तो गाड़ी बहुत अच्छा है मेरे को पता है, बट नॉट लाइक मैं यूज नहीं कर सकता। हाँ, वो तो ये तो कॉफिन वाला गाड़ी है, हटा हटाओ बाबा, डर लगता है इसके। अरे बाबा, इसको देख के ही डर लगता है, पीछे क्या कौन झांक रहा है। ये अच्छी लग रही है। ये गाड़ी अच्छी है बट इसका टूट गया सामने वाला हिस्सा। अरे ऐसा ही होगा ना, मॉडल ही ऐसा होगा। हाँ हाँ वही वही मॉडल ही ऐसा है ना। पैटर्न से स्पार्टन प्लेस वाइटी, स्पार्टन को वोट करो, पोल ये डालो। जीत बहन ही जो, गया। तुम कब से डीओजे हो गए? ये तो अपना डोमिनेटर है ना, डोमिनेटर एस, नहीं हाँ, डोमिनेट, डोमिनेटर एएसपी जीटीपी है, डोमिनेटर एएसपी ऐसा कुछ गाड़ी था ना। डोमिनेटर एएसपी देख लेते हैं। अगर इधर वोट मिला तो स्पार्टन ऑन टॉप। अरे स्पार्टन ऑन टॉप है ब्रदर, तुम्हारा रॉयल पास करने का तरीका बहुत जीटीएक्स है, अच्छा है, तो एएसपी तो नहीं स्पार्टन है। हाँ, बहुत हार्ड है। ये रही एएसपी इसका प्राइस क्या है? रोलेक्स। हाँ जी, गया था, बताना जरा। 2 लाख, 2 लाख इसको जरा टेस्ट ड्राइव देना मेरे को 40 में। स्पार्टन को वोट करो, हूँ हरामी मानुस। अच्छा ऐसा है है। हाँ, बट स्पीड उतना नहीं है। मैक्स करने के बाद आई थिंक स्पीड आएगा, और आप और चेंज कर दो जरा गाड़ी। वो थोड़ी हम्म, चेंज होगी ना इतनी ज्यादा। तो ये एक डोमिनेटर है, यही आ गई। भाई फर्स्ट टाइम सिम कैसे डाले मोबाइल पे? एक काम करो, तुम एक काम करो, वो इधर मोबाइल जीटीएक्स ही है, खोलना। ये कौन सा है? जीटीएक्स इसका प्राइस 180।
इसमें खास वन क्या नाइन चीज है, जीरो लोग जो नाइन खरीदते हैं के इसको, इसमें खास क्या है लोग, ये या कुछ थोड़ी कोई खरीदता है। है नहीं क्या इसमें? मेरा एक दोस्त था नहीं, सामुराई, ये तो किसी ने नहीं खरीदी। एक सामुराई करके मेरा एक दोस्त है, उसने खरीदा था एक बार। अच्छा देख के देखो टेस्ट, क्या दियो पता अच्छी हो चलने दियो दियो वाली। 40 में दियो। घूमियो पर घूमियो पर। क्या हुआ भाई बोलो ना। अरे बाबा सिम थोड़ी डाल सकते हो, थोड़ी ऐसा होता है, जितना हो सकता है उतना हम कर सकते हैं, मैक्सिमम चार्जर यूज कर सकते हो, सिम चलो विम यार उतना नहीं होता ना। राउडी आर्मी थैंक यू फॉर सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल ब्रदर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर ज्वाइन अस। वाह वाह ये गाड़ी तो बड़ी सेक्सी है, बहुत सही है। और दिखाओ एकदम सफाट गाड़ी, बहुत सही। ये देखो ये वो वाला मॉडल का दूसरा वाला मॉडल, ये वाला है मेरे पे, ये है अपना डोमिनेटर, कुछ कस्टम है, कुछ ऐसा कस्टम वस्टम कुछ है इसका नहीं नाम। नहीं ये थोड़ी है, ये कौन क्या है फिर? क्लासिक अल्टरनेट है ये तो, हाँ गॉन्टेड कस्टम, सॉरी हाँ गॉन्टेड कस्टम, क्लासिक है। अच्छा हाँ क्लासिक गॉन्टलेट कस्टम, इसका जैसा और एक है, नहीं यही है। नॉर्मल होगा फिर वो ग्रॉन्टलेट, ये तो वही है बस लिवरी वाला है। मिलिया पर इन्वेंटरी में देख नहीं अरे रहा। भाई अच्छा ये तो अच्छा बहुत लो है। ये क्या गाड़ी है? इसका जरा टेस्ट ड्राइव दिया मेरे को 40 में। ठीक ही है, इतना कुछ नहीं होगा। क्या 30,000 सिम लिया ना अभी, उसको एक काम करो फोन में डालने की कोशिश करो, अगर सिम डाल जाते तो अच्छा है, 19 नहीं डालते तो घुसा घुसा के मारने मार के सिम घुसाओ। सॉरी गाइस, गाड़ी सही है। अरे बाबा ये वाला कौन सा है, चार्जर की जैसा दिख रहा है, चार्जर का कॉपी है क्या? बुफालो एसटीएक्स है। हाँ वही लग रहा है, सेम ही लग रहा है चार्जर तो चार्जर हमारे देखो। डिपार्टमेंट में है, इसको लेके क्या करूं। और दिखाइए सर, आपको सेम ही परेशान है करके इसका छोड़ेंगे तो। आज हम। अरे कोई बात नहीं, नहीं बहुत बोर लगता है बार बार दिखाना, सेम लॉक्स खोल के बार बार दिखाओ, फाइनल लिस्ट अरे खोलते। वो तो चलता रहता है। ये भी अच्छी लग रही है। ये गाड़ी अच्छी है बट मेरे को इतना सफर थोड़ा यूनिक चाहिए। यूनिक तो फिर मंगवाना पड़ेगा। नहीं नहीं इधर भी बहुत ऐसे ऐसे गाड़ियां होती हैं जो कि यूनिक होती हैं,
पर बंदा उसको कस्टमाइज नहीं करवाता, उसको पता चलना चाहिए कि कोई भी गाड़ी खरीदने के बाद उसके ऊपर अंदर अगर कस्टमाइजेशन ज्यादा रहता है तो उसका लुक यूनिक हो जाता है हाँ वो तो है। भाई ना आई थिंक खत्म हो गया सब कुछ। नहीं काफी है अभी तो। चोर भी है, दिखाओ दिखाओ। मतलब वही है कि ऑलमोस्ट सेम जैसा ही आ रहा है। ट्रक आने लगे। ये भी अच्छी लग रही है। एक गाड़ी था डेविस्टा, डेविस्टा का क्या प्राइस है जरा बोलना देख के। मतलब मसल में है क्या? नहीं वो सुपर में आई थी, नॉर्मल जस्ट पूछ रहा हूँ। चलो कोई नहीं कोई, डेविस्टा मत दिखा। ये कौन सा है? ये है स्टेलियन। अच्छा, और दिखाओ गाइस। मैंने एक पोल डाला है तो आप सब जाके वोट कर देना कि कौन नया जज होने वाला है सिटी में। ये वाला गाड़ी तो कुछ अजीब लग रहा है मेरे को देख के, इसका जरा टेस्ट ड्राइव दिया ना मेरे को पार्टी में। अजीब अजीब की टेस्ट। शेडर कुछ घटाना पड़ेगा, शेडर बहुत ज्यादा हो रहा है, समझ नहीं रही ग्राफिक्स इतना ज्यादा दे रहा है। टेक्सचर बजट थोड़ा घटा देता हूँ, आई थिंक लैग घट जाएगा, वरना लैग थोड़ा ज्यादा हो रहा है मेरा। अच्छा है, और दिखाओ। जितने बंदे स्ट्रीम पे नए हो, जो अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया लाइक करो, शेयर करो, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया इसके लिए इंतजार कर रहे हो भाई जी, कर दो सब्सक्राइब कर दो। उसी का मॉडल है। भाई फर्स्ट टाइम खेल रहा हूँ, कुछ टिप दो। किस टाइप का टिप? मीन्स कि आप आरपी में अगर फर्स्ट टाइम हो तो मैं आपको एक ही सुझाव दूंगा कि आरपी में आप जब घुसते हो, ये वाला है, ये वाला है मेरे पे। अगर आप लोग आरपी में घुसते हो तो आपको ये बात पता चलना चाहिए कि आरपी रियल लाइफ से डिफरेंस है, ठीक और रियल लाइफ का बात है आप आरपी में ऐसे कर नहीं सकते हो, वो एक बैनेबल ऑफेंस है ठीक है। आपको सर्वर से बैन दिया जा सकता है, हो या ब्लैक लिस्टेड या व्हाइट लिस्टेड कुछ भी हो, बट आप आरपी में बोल नहीं सकते ऐसे ठीक है। और आरपी में और एक चीज की, कि अगर आप कोई भी आरपी करना चाहते हो सबसे पहले सिटी में जाओ, सिटी में जाकर सिटी को एक्सप्लोर करो अच्छे से। विदाउट सिटी एक्सप्लोर आप ऐसे कोई भी आरपी नहीं कर पाओगे। फिर सिटी एक्सप्लोर हो जैसे हो जाते अच्छे, तो बहुत क्या सारे दोस्त रहता है बनाओ। इसमें? देखो ये हाँ जी सर बोलो। इसका टेस्ट लो। ये है मेरे पे, ये है मेरे पे, ये है अच्छा ये गाड़ी। ये मतलब इधर काफी ये है। मेरे इस सिटी में नहीं है, मेरे दूसरा जो मैं जहाँ पहले जॉब करता था, जहाँ मैं अच्छा अपना प्रैक्टिस किया था, उधर मेरे पास था। ये है मेरे, बहुत अच्छा गाड़ी। इसमें काफी कस्टमाइजेशन है। ये कौन सा है? नहीं, इसमें नहीं, वो वाले में। हाँ वो तो पता है, वो तो पता है, उससे बहुत सारा है उसमें। आई थिंक 12 या 14 कस्टमाइजेशन है। हाँ बहुत सारा है। गाइज फटाफट लाइक करो यार, जो जो अभी तक लाइक नहीं ओके किया। ये गाड़ी 2 बार नहीं आ गई क्या? हाँ ये दूसरी बार आई ना, अच्छा ये बस हो गई, सारी खत्म हो गई। अच्छा अच्छा मेरे पे ये है असल में, दैट्स व्हाई, वरना ये ही ले लेता मैं। अच्छा बाइक्स में कुछ नया आया है सर?
बाइक्स में तो वो हार्ली आई है। हार देखो छोड़ के, वो तो वो वाला गाड़ी है, वो छोड़ो, वो सब नहीं लेना है मेरे को, बहुत महंगा है। हाँ बस फिर तो बाइक में कुछ नहीं नया है, वही है सब। अच्छा, मेरे लिए कुछ लायक है बुलेट टाइप का, ऐसा कुछ जो मैं बना सकता हूँ बुलेट जैसा? बुलेट जैसे में आप डेथ बाइक ले सकते हो। दिखाइए जरा ये बाइक, थोड़ा बेचे मत, इसमें थोड़ा दिक्कत है, तकनीकी खराब है ये बाइक मेरे पे है। और कुछ दिखाइए इसका नॉर्मल वाला। हाँ, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन है जो कि अनरियलिस्टिक है। ये गाड़ी तृप्या करके किसी को ना बेचिए, ठीक है? कोशिश करिए कि किसी को ना बेचा जाए ये गाड़ी। अच्छा, हाँ, ये ये क्या वाला इसका सही है, नॉर्मल वर्जन नॉर्मल वर्जन बेचिए। सही है इसका प्राइस 40 का है। 40 का है। दो गाड़ी खरीदता हूँ, एक काम करो, ये दे दो मेरे को आप 40 में, एकदम डायरेक्ट दे दो। टैक्स लगेगा ना? हाँ लगाओ, 40 का लगाओ, 40 के ऊपर टैक्स कितना ही लगेगा? 5-10, 5-6 हज़ार, 10 हज़ार रुपये लगेगा। हाँ 43 पे भेजो 8,000। नहीं 43 नहीं पे नहीं रुको रुको रुको, 6,000 6,000। 6 हज़ार? अरे आप 8 हज़ार ही हो। अरे चलो 8 चलो, कोई बात नहीं। नहीं, 8 हज़ार दे दो, पैसा कम है मेरे पे। इसके बाद जो डिनेस्टी है ना, डिनेस्टी डिनेस्टी जो है ना, डिनेस्टी गाड़ी, वो उसको निकाल के रखना, वो ले जाना। ठीक है, किस में है वो भी बता दो। वो विंटेज में है आई थिंक। क्लासिक कस्टम में नहीं, पुराने जमाने का जो गाड़ियां था ना उसमें होगा शायद। हाँ ठीक है, ये पार्क करके आओ। चलो खाना खा रहे, चलिए आते हैं। मैं फर्स्ट टाइम पे। अच्छा, वही बोले ने बोला ना ब्रदर, आपको आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना है सिटी को, फिर आप जाके क्राइम करोगे या क्या करोगे वो आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप क्राइम करना पसंद करते हो तो क्राइम करना, अगर आप लाइक नॉर्मल वाइट वाइट कॉलर जॉब लाइक मैं जैसे करता हूँ, इस टाइप का जॉब अगर आप करना पसंद करते हो तो इस टाइप का जॉब करना, कुछ भी कर सकते हो। पूरी पूरा पूरी आपके ऊपर है, डिपेंड है। मेरा कैमरा इतना लैग क्यों कर रहा है? जस्ट गिव मी अ सेक गाइस, गिव मी अ सेक, मैं तेरा अपना कैमरा को चेंज कर देता हूँ, वीडियो कैप्चर डिवाइस को। मैं अगर ये कर देता हूँ तो क्या होएगा? इसको मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। हाँ जी सर, इसका प्राइस कितना है? 35 35 ना, ये वाला फिर दे दीजिए मेरे को अपना। फंस पे फंस गए हम। गए? आगे आगे आप मेरे को बोलते हम गिरा देते आपको लंगड़ी मार के। नहीं, ऐसे गिरना ही नहीं है। 7,000 भेज दो। चलो 7,000, 48 पे ना?
43 पे। अभी तो दिया किस पे? हाँ 43 पे ही तो दिया था। 43 पे। चलो सर। मैं 10 भेज दिया। हाँ सर, वो तो बस आपको पता है, गवर्नमेंट को आप क्या शो अरे करेंगे कि हाँ आपको साथ ही मिला है, हाँ बाकी हाँ 3 हज़ार मेरी ठीक है तरफ ठीक से है। आपको, अरे इतना समय धन्यवाद। देने के लिए। ये मेरा दूसरा डिनेस्टी है, इसको मैं वो वाला डिनेस्टी जो है ब्लैक एंड व्हाइट में है, इसको मैं पूरा एकदम वो बनाऊंगा ब्लैक कलर में। गाइस केकेआर का मैच है आज, तो मेरे को जरा कोई अपडेट दे सकता है केकेआर मैच का क्या सीन है, क्योंकि मेरे को तो दिख नहीं रहा है अभी क्योंकि मैं स्ट्रीम कर रहा हूँ, तो मेरे को कोई अपडेट दे दोगे तो अच्छा रहेगा। मेरा वेबकैम जो है ना बड़ा लैग कर रहा है, इसके लिए मेरे को बहुत दिक्कत हो रहा है, और कुछ नहीं इसका वेबकैम क्या, मैं क्या सीन करूँ मेरे को कोई बताओ यार। तो पहले मैं इसको इसका काम निपटा देता हूँ, फिर मैं वेबकैम ठीक करूंगा। हो गया सर? हाँ जी सर, हेलो। हो गया सर? हो गया, पार कर दो। ओके थैंक यू। एवरी टाइम आकर मुझे तू तेरे मुझको ना रहना साथ तेरे। लैग कर रहा है, FPS ड्रॉप हो रहा है, इधर ही FPS क्यों ड्रॉप होता है इतना, मेरे को समझ नहीं आता है। मैकेनिक है क्या कोई? अभी मेरे को अपना गाड़ी बनाना है। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाए। ऐसे टूटा के फिर जुड़ ना पाए। आसमान के अल्लाह के बंदे, हंस दे अल्लाह के बंदे, अल्लाह के बंदे हंस दे, जो भी हो कल फिर आएगा। रिमो यस, वीडियो कैप्चर डिवाइस, इसको पहले कट कर देते हैं। एग्जिट एक्सप्लॉइट वी कैम, अभी वीडियो कैप्चर डिवाइस में, वीडियो कैप्चर डिवाइस, वीडियो कैप्चर डिवाइस, ये रहा वीडियो कैप्चर डिवाइस, न्यू परफेक्ट, ये आ गया। इसको अभी मैं सेटिंग करूंगा इसके हिसाब से। हाँ ये लग गया, ये परफेक्ट है। और इसके ऊपर मैं फिल्टर डाल दूंगा तो हो जाएगा मेरा वीडियो कैप्चर डिवाइस, इसके ऊपर फिल्टर आएगा कि लाइक कलर की में आऊंगा, कलर की में आके इसको सिमिलरिटी ज्यादा रखूंगा, स्मूथनेस कम रखूंगा, कंट्रास्ट थोड़ा बढ़ा दूंगा, ब्राइटनेस थोड़ा, ब्राइटनेस सही है, गामा गामा भी सही है, हल्का हल्का बस, परफेक्ट। ये बन गया, वेरी नाइस, सिंपल है यार, उतना भी लाइक टेंशन वाली कुछ बात ही नहीं है। ये लोग बस करते रहते हैं टेंशन, अभी हम क्या करें।
हम मर जाए, हमारी कोई फीलिंग नहीं है। एक बात बोलूं, ये इधर मैकेनिक क्यों नहीं रहता है? मैं कितना बार डाल चुका है, नहीं मैकेनिक, दे हैव नो मैकेनिक इन द सिटी राइट नाउ। फकिंग बुलशिट। तुम मेरे हो इस पल मेरे हो, कल शायद ये आलम ना रह, कुछ ऐसा हो तुम ना रहो, कुछ ऐसा हो हम ना रह, ये रास्ते अलग हो जाए, चलते चलते हम खो जाए, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी। अरे 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 अरे, इतना एफपीएस ड्रॉप, इतना एफपीएस ड्रॉप क्यों? इतना तो होना नहीं चाहिए। हंसना या रोना पागल सा ढूंढूं मैं तुम्हें, कल मुझसे मोहब्बत होना हो, कल मुझको इजाजत होना हो, दिल के टुकड़े लेकर तेरे दर पे ही रह जाऊंगा। भाई गाड़ी तो ये है बैंचो, देखो गाड़ी तो ये है, उस दिन जो लिया था, किस कौन बोलेगा भाई, पूरा सफारी लग रहा है। हेलो सर, अरे अरे गनवन साइड में रखो, गनवन में मत चलाओ, क्या कर रहे हो? हेलो हेलो जी सर, वो बंदूक ना बाहर निकली हुई थी। कोई ना कोई ना, मास्क खोलो, मास्क खोलो, मास्क था। हाँ मास्क हटा दो, मास्क हटा दो, लो उतार लिया। धन्यवाद धन्यवाद। ये गाड़ी का आपका हालत सही नहीं है, मैकेनिक ढूंढ रहा था, मैकेनिक भी नहीं है, ये मैकेनिक लोग जाते कहाँ है? मैं तुमको बताता हूँ, ये हमारे शहर के जो मैकेनिक है ना, वो सिर्फ पैसा खाते रहते हैं। मेरे को सच में यही लग रहा है, क्योंकि आप एक बात समझो, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, मैं जब उनके पास टैक्स देने के जाता ना, उनके पास पैसा रहता नहीं है, ठीक है, पैसा, वो रोने लगते कि भाई मेरे पे पैसा कहाँ से आएगा सर, इतना सारा एम्प्लॉय पैसा देना पड़ता है वगैरह वगैरह, और अभी देखो जरूरत के टाइम पे एक मैकेनिक नहीं है, तो ये लोग काम क्या करते हैं? आपकी जो सरकार है ना, हाँ, सरकार को बोले उनका जो पेचेक है ना बंद करवाएं। मेरे को पेचेक बंद नहीं करना है, मेरे को लेजेंड्स मैकेनिक बंद करवा देना, आपका मन करता है कभी कभार करवा दो, मैं तो कह दूं करवा दो, अभी मेरे को चाहिए लेजेंड्स मैकेनिक की जगह कोई कस्टम, अपना उधर वाला जो कस्टम जो बंद पड़ा है ना, वो वाला खोल दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, ये कस्टम बेकार है, लेजेंड मैकेनिक बेकार है, कोई फायदा नहीं है इसमें, आधा बंदा आता ही नहीं है। हाँ, मेरी बात तो सुनो, एक ये कैट कैफे, हाँ, कैट कैफे का जो ओनर है जिमी जैक्सन, जिमी जैक्सन या मॉरिस मोरा था ना, एक मिनट चेक करता हूँ, वो दोनों बन गए हैं। अच्छा अच्छा बोथ, अच्छा अच्छा नाइस नाइस नाइस। तो वो कैट कैफे के अंदर आप जाके वो अंदर बैठ के पेचक खा रहा है। हाँ, मैं अभी जस्ट देख के मैं रियली शॉक की, अब बंदा अंदर जाके पेचेक कर रहा है, मैं उसको पूछा कि सर खाना दो, तो ही इग्नोरिंग मी, लाइक जिमी इग्नोर कर रहा है मेरे को, ही इग्नोरिंग एंड गेट लॉक कर दिया। हाँ गेट लॉक कर दिया, फिर अपना प्रकाश आया, प्रकाश आके मेरे को खोल के बोलता कि क्या चाहिए सर आपको, मैं बोला कि प्रकाश वो उधर जो था ना एक बंदा, वो प्रकाश है ना उसका नाम, उसका एक बंदा था प्रकाश, अभी मेरे को उसने डीएम किया था, कैन यू डीओजे इन सिटी, ट्विटर किया था उसने। अच्छा प्रकाश, अच्छा इसको गाली क्या रहा है? हाँ वही वही शायद से, तो उसने मेरे को खाना दिया और फिर बोला कि ठीक है सर हो गया थैंक यू, मैं बोला कि अरे बाबा ये कैसा लोग है, मुंह के ऊपर बोलता थैंक यू। क्या काम करते हो सर आप? सर मैं एक बहुत बड़ा बदमाश हूँ। हैं? बदमाश हो, तब तो आपको हमारी जरूरत सबसे पहले होगी। हाँ, मेरी बात, मेरे को तुम्हारी एक बहुत बड़ी जरूरत है, मेरे को ना तुमसे ना एक फ्रॉड वाली चीजें करनी है। हाँ बताओ बताओ बताओ, कैसे हेल्प करें तुमसे? मेरे खबरी रहोगे? अच्छा आप, मैं खबरी रहूंगा? चीज भी दूंगा। अच्छा अच्छा बताइयो, हाँ, क्या करना है आपको? मतलब मेरे को कुछ भी गलत काम करना होगा तो मैं साथ दोगे? गलत काम करना है मैं उसके आपको साथ दूंगा, लाइक हाँ, एक काम करता, एक काम करता, ये आपका गाड़ी नहीं है ना, मेरे को लग रहा है ये गाड़ी चुराया हुआ है। आ जाओ मेरे गाड़ी में आ जाओ, कम
डिपार्टमेंट में जाके बात करते हैं। ये सब बातें ना इधर नहीं होती है, बीच में कोई आ जाएगा तो सुन लेगा। चलिए अब आपसे इम्पोर्टेंट बातें करते हैं। हाँ वही वही, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा डिपार्टमेंट में चल के बातें करते हैं। आइए आइए अंदर आइए मेरे साथ। मैंने सुना था आपका ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। हाँ ब्रेन स्ट्रोक नहीं हुआ था, मैं वेकेशन पे गया था। कहाँ पे? वेकेशन पे। अच्छा वेकेशन पे गए थे, तभी नहीं आ रहे थे। मेरे को सुना था कि किसी ने बोला कि आपका ब्रेन स्ट्रोक हुआ है, तो अभी आप सिटी में नहीं आओगे? थाईलैंड। ओह वाओ, सही है सही है। आप सर थोड़े टाइम पहले एक मिनट इधर रुको, आप एक मिनट इधर रुको, मैं जरा चेंज करके आता हूँ एक मिनट। आ जाओ सर। हेलो सर, हाँ जी हाँ जी सर, आ जाइए कम। हाँ जी अंदर आइए बैठिए प्लीज। सर बैठ नहीं सकते हैं, छोड़ो हम ऐसे खड़े खड़े बातें करते हैं। हाँ जी हाँ जी बताओ बताओ। तो सर देखो जैसे आपको पता है मैं आता है तो हमारे कुछ चीजें होती है पैसा कमाने की, समझ रहे हो ना, हमें नौकरी नहीं मिलती है, हम नौकरी नहीं कर सकते हैं। हेलो हाँ जी सर सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। आप थोड़ा गले का आवाज थोड़ा बढ़ाइए और बोलिए फिर। हेलो हाँ अभी क्लियर है बोलिए। तो आपको पता है ना कि हमें पैसा वैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं मिलती है, नहीं कर पाते हैं। हाँ जी हाँ जी, तो उसके लिए हमें कुछ अलग काम करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, लेकिन क्यों नहीं मिलती नौकरी? नौकरी इसलिए नहीं मिलती कि हमारे ऊपर जो होते हैं ना कुछ चार्जेस लगे होते हैं। चार्जेस होती है तो क्या हुआ सर, अब हमारे पास आओ हम दिलाएंगे आपको जॉब, आप बोलते नहीं हो इसलिए हम ये सस्ती वस्ती नौकरी नहीं करनी। बोलो कि जॉब हमको पसंद नहीं है, क्योंकि जॉब का जो पैसा मिलता है वो हमारे लिए सही नहीं है, हमको ज्यादा चाहिए।
वही वही हमें हाँ पैसा ज्यादा चाहिए, हमें कुछ शेयर करना बड़ा करना है। अच्छा, लाइक आप बाकियों से अलग काम करना चाहते हो, अपने को बाकियों से अलग रखना चाहते हो, दैट्स व्हाई। हाँ, जो होते नहीं शेयर हाँ करना, सबसे बड़े गुंडे माफिया लोग कहते हैं माफिया नहीं, माफिया। मतलब लाइक आप लीड करना चाहते हो, आप लाइक हाँ, सबको किसी का अपने अंदर अंडर काम काम करना करने के लिए चाहते हैं। नहीं बने हो, आप खुद लीडर बनना चाहते हो। वही जैसे मैं हाँ अगर किसी शेयर के नाम देखा होगा, कुछ गैंग वाले लोग घूमते हैं, हाँ देखा है, बहुत गैंग सारे वाले बहुत बोले सारे। फैमिली वाले लाइक मैं घूमते आपको बोल देता हूँ, बाला से व्हाइट कॉलर से ब्लैक्स बन रहा है, और आपका है वागो से एक, और जिस जिसका अपना को लीडर है जिमी, और मेरे को पता है, मेरे को मेनली सब हैं। मैं फैमिली से मेरे जिसका साथ बात मास्क हो पहन के रहा। आया था है ना, आप जिसका मास्क वागोस, पहन के हाँ आया आप वागोस था। का मास्क पहन के आया, हाँ तभी मैंने तो आपको। देखो, मैं ना बस ये चाहता हूँ कि जिस फैमिली में मैं काम करता हूँ ना, हाँ जी हाँ जी, मैं उन्हीं के ऊपर ही काम करूँ, उन्हीं के ऊपर काम करो। वो उनको अपने अंदर रखूँ मैं। हाँ, अच्छा आप मतलब आप लीड करना चाहते हो। अच्छा उनको अपने जेब में रखना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बहुत देखा ये जिमी जैक्सन जो है ना, पहले मेरा अच्छा दोस्त था, उसके अंदर एटीट्यूड आ गया पता नहीं टुकड़े भर का। अच्छा 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 हाँ, तो आपको और एक बंदा है, मैं, हाँ बोलिए। बहुत बहुत लोग है भाई, एक ज्वाइन आऊंगा बंदा भी है। हाँ, अच्छा, तो आपको तो बस यही मैं मैं, कहना चाहता हूँ। हाँ, तो इसमें आपको मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ बताइए। सेवा की बात है, मेरे को पैसा कमाना है, ठीक है, इतना पैसा कमाना है, इतना पैसा कमाना है कि मैं पुलिस भी अगर मेरे को पकड़े ना, हाँ जी तो मेरे को ना मेरे जेब में एक, मेरे पास एक लॉयर हो जो मेरी अच्छा मदद करे इस बारे अच्छा में, पहली बात तो मेरी ये मदद सर, करे। मैं लॉयर नहीं हूँ, बट मैं आपके काम के लिए एक, आप मतलब एक विश्वास लायक लॉयर आपको दे सकता हूँ। आप उचिया यादव के नाम सुना है ना, उचिया उचिया यादव? यादव, यस, ही इज एन लॉयर ऑफ कोर्स। बहुत ही जल्दी वो प्राइवेट अटॉर्नी, आज या कल के अंदर, आज एक गवर्नमेंट के साथ हमारा मीटिंग है, हमारा सिटिंग में नया जज आने वाला है, तो उसके साथ साथ हम उनका भी प्रमोशन कर देंगे। तो उचिया यादव एक बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा है, जिनका बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस है बाहर के सिटीज में, वो इधर हैं तो वो आए हैं। तो हाँ, मैं, अगर आप बुरा ना मानो तो मैं सीधा सीधा उनको आपके अंडर, उनको आपके अंडर कर दूंगा। आपका जो भी केसेस या जो भी इश्यू होगा वो बंदा संभालेगा। लाइक आपको कभी भी जेल होगा तो आपको बेल मिल जाएगा इजीली, ठीक है। मैं एकदम 100% आपको गारंटी नहीं दे सकता कि जब भी बेल जेल होगा बेल मिल जाएगा। अगर वो सिटी में रहता है और आपका जेल होता है, आप अगर एक बार उसको बोलते हो तो वो 100% कोशिश करेगा कि आपको जेल से छुटकारा मिल जाए, ठीक है। अगर वो नहीं रहता तो कैसे पॉसिबल है ना, ठीक है, बट रहेगा तो पॉसिबल है, ठीक है। लाइक ये हो गया एक, दूसरा हो गया कि अगर कोई भी चीज में पीडी आपको पकड़ती है, गवर्नमेंट से आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी, अगर आप बस आपके लिए, लेकिन आपके फैमिली के लिए गवर्नमेंट कोई हेल्प नहीं करेगी। हाँ, मेरे को फैमिली के चाहिए भी नहीं, बाहर में जाए, थोड़ा अच्छा तो आपने छोड़ दिया फैमिली? नहीं है अभी, मैं उसके ना शुगर हूँ भी नहीं, कितना समझ पीडी रहे हो, वाला मेरे है साथ में ऑफिस हूँ अभी में? मैं, अभी है एक विक्टर, एंगेजमेंट नहीं विक्टर करी है मैंने अभी, अभी है बस। क्या बोल रहे हो सर, सुना नहीं, सॉरी। मैं उनके साथ में हूँ हाँ लेकिन उनके अंडर नहीं होगी, अच्छा, उनके साथ में। लाइक उनके आप मेरे। हाँ वो जानते कि आप वागोस में हो, बट आप मन ही मन जानते हो कि मैं तो वागोस में करने वाला घंटा हूं, मैं या तो हाँ वागोस को लीड करूंगा या फिर कोई और कुछ करूंगा, अगर वो मेरी टांगे आके चाटेंगे तब मैं कर भी लूँ। पता नहीं। शुगर पता नहीं, सॉरी सॉरी आपको नहीं बोल रहा हूँ, शुगर पता नहीं मेरे को वो है या, मेरे को देखा था, मैं जब घुसा था सिटी में, जब मैं स्ट्रीम स्टार्ट किया था घुसा था तब आया था कोई। मेरे को अगर कभी जेल वगैरह हो रही हो हाँ या जी हाँ कुछ जी करवा दे, हाँ अगर जी, बाद में कुछ, सॉरी, इट्स ओके इट्स ओके अगर बाद फाइन। में कुछ बड़ा कोर्ट केस वगैरह हो रहा हो तो कुछ हाँ लॉयर आके बचा ले डीओजे, अगर ये सब कुछ मतलब बेल वगैरह में तुम नहीं काम जाते हो क्या? देखो, बेल दो टाइप का होता है, मैं आपको बोल देता हूँ, बेल मेरी दो टाइप का होता है। एक होता है एडवांस बेल, कि आप कोई भी क्राइम करने से पहले गवर्नमेंट से बेल लेके जा रहे हो, ठीक है, जैसे आपको पीडी पकड़ेगा आप सीधा बेल दिखा दोगे, देखो मेरे पे बेल, आप किस पास मुंह से मेरे को पकड़ोगे, ये होता है एडवांस बेल। और एक होता है कि आप क्रिम करे हो, फिर आपके ऊपर केस हुआ है, तो देन फिर आप बेल मांग सकते हो, ठीक है। तो आपको अभी क्या एडवांस बेल चाहिए तो उसका लाइक अलग प्रोसीड्योर है, और जो वो वाला बेल चाहिए उसका अलग प्रोसीड्योर है। एडवांस बेल वो लोग लेते हैं जो डेफिनेटली काम को सक्सेसफुल पहुंचाने पे लाइक एकदम तुले हुए, लाइक जैसे कि आप जानते हो कि हाँ मैं डेफिनेटली काम को सक्सेसफुल कर सकता हूँ कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को, ठीक है, तो आप एडवांस बेल ले लिए। बट इन दैट के सिचुएशन कोई भी लाइक एक, जब काम आप लोग टारगेट करते हो किसी बंदे को या फिर कोई काम को एग्जीक्यूट करने का कोशिश करते हो, तो आप अकेले नहीं करते, 10 बंदा रहता है आपके साथ, ठीक है, हाँ, उस किसी एक का तो कुछ ना कोई तो गलती हो ही जाता है। सपोज कोई गलती हो गया तो उसके वजह से आपको पकड़ लिया गया, देन फिर आप वो एडवांस बेल दिखा सकते हो, ठीक है। अच्छा,
जो लोग कंफर्म रहते हैं कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ एकदम परफेक्ट, वो लोग एडवांस बिल ले लेते हैं। इन दैट के सिचुएशन बाई चांस अगर काम फेल हो जाता है बट वो बेल से बच सकते हैं बेल देके। ठीक है, तो ये दो टाइप का बेल होता है। आप कौन सा क्राइम करोगे उसके ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप एडवांस बिल लोगे या फिर एकदम सिचुएशन के बाद बेल लोगे। सिचुएशन के बाद बेल लोगे तो टाइम लगेगा, कभी कभार एकदम बहुत ज्यादा सिचुएशन हीट अप हो जाती है। अच्छा, तो मेरा बंदूक निकालनी पड़ जाती है। हाँ, मतलब वो हो जाते हो आपकी, करना ही पड़ता है, नहीं हो सकता और कोई ना कुछ नहीं पड़ता हो जाता। मतलब गाड़ी है हमारी, पीडी वालों ने दिमाग खराब कर दिया गाड़ी। हाँ, पीडी वालों का दिमाग ऐसे ही खराब होता है, वो कुछ होता नहीं ऐसे ही। वो लोग एनएचके ऐसे तो एनएचके हैं, डीओजे के वगैरह तो कुछ कर नहीं पाते, फिर भी बजते रहते हैं। छोड़ो बजदेश, चीफ भी उनका वो है। छोड़ो, क्या बोल सकते हैं, बताओ बताओ। इसके चक्कर में हाथों में बंदूक निकली जाती है। कोई ना आपको बस कैसे सेवा करे बताइए सर। बस यही है कि ये सब कुछ मैं काम करूंगा, मेरे को बस अगर मैं कभी कभी बाय चांस अगर मैं जेल में गया और मेरे को पीटी ने पकड़ा तो ये छुटकारा पाने के लिए। आप जैसे जेल में जाओगे आपको बस एक ही बात करना है कि देखो सर, जेल में जाने से पहले मैं अपना लॉयर से बात करना चाहता हूँ कुछ समय के लिए, फिर मैं आऊंगा। आने के बाद एक मिनट में दिमाग में, जस्ट वेट अ सेकंड। ओके, हेलो, हाँ आज कोटा थे पड़ा चारटे थे पड़ा। अरे আমাকে ও বলে 6:30 থেকে পড়া। দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, আমি তো জানি না, এক মিনিট দাঁড়া, আমি 5টার মধ্যে যাচ্ছি। দাঁড়া দাঁড়া আমি জানি না, ভুলে গেছি, থ্যাংক ইউ, দাঁড়া আসছি। এই ভাই, হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ জি স্যার, হ্যাঁ আমি কি বলে রাম সময় নেই রিজন না, মেরে কো থোড়া মাইন্ড পে জানা হোগা, মেরে কো থোড়া কাম আ গয়া, ঠিক হে, আপ জরা, ঠিক হে ঠিক হে, আ যাও, বাকি বাতে মে আপসে বাদ মে কর লুঙ্গা আকে আজ। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। क्या कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय। ओके ओके बाय। अरे अरे मैं तो भूल ही गया था, भाई का ट्यूशन है गाइस। सो गाइस मेरे को जाना पड़ेगा, और आप लोग जो स्ट्रीम पे नहीं हो, जो अभी तक स्ट्रीम को लाइक नहीं किया लाइक कर दो, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, और स्ट्रीम पे ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।